दे यार तो बता दे कछु, मतलब कछु आगे को दिखे कि नहीं, मुंह मार दे तो नहीं दिख रही हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि कोई तकलीफ नहीं होंगी, मतलब तकलीफा डील करना होंगे। हाँ तो क्या ले बढ़िया सब, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त टिंटू और आप देख रहे हो बैड बॉय सीआरसी। तो आज फिर एक बार हम आ चुके हैं नई अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। तो इसके अंदर है एक ऐसी चीज, दो ऐसी चीज, एक की हम पहले अनबॉक्स कर चुके हैं और एक की अनबॉक्सिंग हम आज करने वाले हैं। वैसे दोनों एक साथ आई है इसलिए इसी बॉक्स के अंदर आई है। बॉक्स ओपन बॉक्स से डिलीवरी थे इसलिए हम इसको खोल के देख चुके हैं, मतलब उन्होंने खोल लिया और हमने देख लिया। उनको फोटो लेना पड़ता है इसलिए हमारी मजबूरी रहती है कि इसको ओपन करके दिखाना ही पड़ता है उन लोगों को। यदि हम पूरा बॉक्स लेंगे तो भी वो हमको देंगे नहीं, वो खोलेंगे फोटो खींचेंगे और फिर ही हमको देंगे पार्सल। तो देखिए हम इस पार्सल को बाहर क्या निकाले, पहले से बाहर इसके अंदर सामान है उसको बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट एक ये बॉक्स आया इसके अंदर और सेकेंड बस ये बॉक्स आया इसके अंदर। बॉक्स कंटेंट इतना ही है, जिस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, बाकी प्रीपेड था इसलिए यहाँ पे कोई बिल मेंशन नहीं किया गया है। ये दोनों ही चीज़ हमको पड़ी है, वो आपको वीडियो के बीच में आखिरी में बता दूंगा कितनी ही पड़ी है। कुछ कुछ मीडियम साइज के यूट्यूबर की तरह भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ फर्स्ट में ही बता देना चाहिए। ये लाइट है इसकी हम अनबॉक्सिंग कर चुके हैं और वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो ये वाली वो वीडियो है, या आप हमारे चैनल पर सीधा जाकर चेक कर सकते हो इस वीडियो को, इसमें इसकी सारी डिटेल बताई गई है इस लाइट की। इसलिए आज इसको हम कुछ भी चेक नहीं करेंगे। ये कुछ ऐसी लाइट आती है, हाँ ये एक बार आप चेक कर लेना, मतलब उस पर जाके मतलब कैसी क्या लाइट है, इसके आगे हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक है वो, उसमें आप देख लीजिए पूरी डिटेल दी गई है। ठीक है, इतना कुछ निकलता है इसमें से भी मैं निकाल लेता हूँ। टाइप सी दी गई है लेकिन इसमें, क्योंकि पता नहीं पिछली बार कौन सी थी यार, पता नहीं USB थी शायद कि टाइप सी थी, मुझे नहीं जानता। उस वीडियो को आप देख लीजिए, चेंज हुआ है टाइप सी वगैरह में तो नहीं कह सकता मैं। और यह अपनी मेन चीज़ जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है, यह है LED 3-volt टॉर्च। इस पर किसी भी तरह का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन ये वाले टॉर्च है जो आपको यहाँ पे फोटो दिखाई दे रहा है। ये 3 volt मेंशन किया गया है इसमें लाइट, और इसके अलावा कहीं पे भी बॉक्स पे कुछ भी नहीं लिखा है। जिधर ये सामने जैसा लिखा हुआ वैसा इधर लिखा हुआ, फिर ऐसा लिखा हुआ है। इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है, एक साइड कुछ ना कुछ है क्योंकि ये मेड इन चाइना। तो मैं मतलब आपको यदि कोई सामान लेना है तो आप एक बार इंडियन ब्रांड पे जाइए, उसके अलावा मतलब और भी कंट्री उनके ब्रांड पे चल जाइए, अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो फिर ही आप चाइना के सामान पे जाइए। मैं आपको टेस्ट करके बताने वाला हूँ ये चीज़ कैसी है। मैं इसको आपको लेने की सलाह नहीं देता हूँ क्योंकि चाइना का सामान है, और मतलब जितना हो सके उतना चाइना के सामान से बचना चाहिए। ये भी चाइना का ही है, यस यही है कि आपको चाइना का सामान लेने से पहले एक बार और भी जितने भी ब्रांड है उनकी तरफ देख लेना चाहिए, जब ऑप्शन नहीं बचता है जब भी हमें चाइना का सामान लेना चाहिए। ये सिर्फ मैं एक बार देखना चाह रहा था, ये चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा एडों में देखी थी, मतलब यूट्यूब पे जो एड चलते हैं उसमें देखी थी काफ़ी बार कि ये चीज़ कैसे काम करती है। इसको हम एक बार मंगा चुके हैं लेकिन वो क्या पार्सल कहीं बाहर था मैं, तो देखिए यहाँ फ्लिपकार्ट पर दिख रहा होगा, एक बार और ऑर्डर कर चुका हूँ मैं, बाहर था, बाहर ही मेरे को पार्सल मिला, मैं कुछ काम से क्या रखे वो चोरी हो गया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मंगाएंगे तो सही भले ही। इसके अंदर ठीक है हम निकाल लेते हैं क्या है, बॉक्स में ज़्यादा कुछ भी मतलब ऐसा कुछ लिखा नहीं है, नहीं लिखा। देखिए ये एक टॉर्च और ये इसकी पिन जो कि USB पिन है, micro USB। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ पास आके, मैं इसकी मदद ले रहा हूँ इस वाली लाइट की इसको दिखाने में, क्योंकि हमारे पास लाइट की थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है। तो देखिए ये जो टॉर्च है इसमें यहाँ पे ये दिख रहा है खिला जैसा, इसको उन्होंने बहुत ज़्यादा मेंशन किया कि गाड़ी का कांच तोड़ देता है, ये तोड़ देता है, लेकिन हमको इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि ये खुल जाएगा तो इसे हम साइड कर सकते हैं। और ये रबड़ तो बिल्कुल काम की लग नहीं रही है, यूज़लेस है। बाकी इसको यदि आपको रखना है तो आप इसको हेड सकते हो, निकाल सकते हो और लगा सकते हो। यह है कि इसमें यहाँ पे छेद लगा हुआ था, स्क्रू जैसा है, और इसके अलावा यहाँ पे मैग्नेट है। अभी मेरे पास लोहे का कुछ भी सामान नहीं, मैग्नेट है, दूसरी मैग्नेट है, एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट से हम चिपकाते हैं तो देखिए चिपक रहा है। लोहे का सामान तो नहीं है लेकिन मैग्नेट है, क्योंकि इसमें भी मैग्नेट है तो इस वजह से इससे चिपक रहा है। उसमें यहाँ पे देखिए ये चारों खांचे मैग्नेट के, 1, 2, 3, 4, ये चारों ही खांचे इसमें जो हैं मैग्नेट के। बाकी इसमें जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है वो काफ़ी थर्ड क्लास प्लास्टिक यूज़ किया है। मैं हाथ में लेकर आपको बता सकता हूँ, मेरे को इतना प्लास्टिक का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मैं आपको मतलब बता सकता हूँ कि प्लास्टिक थर्ड क्लास है, चाइना के हिसाब से ही चाइना का माल है। इसमें यहाँ पे एक बटन है जो कि इसको ऑन करती है ये वाली, यहाँ पे एक लाइट है जो कि आप टेबल लाइट की तरह ले सकते हो उसको काम में। इसके अलावा यहाँ पे मतलब एक कटर है जिसमें आप किसी चीज़ को काटो तो इसके अंदर ले जाइए और खींच दीजिए, मतलब कुछ भी हो गया, रस्सी काटना है, वायर काटना है, वायर छील नहीं सकते, काटने वाली बात है, ज़्यादा हैवी वायर इससे कटेगा नहीं, मतलब आपके पास रस्सी है कोई सी, मतलब आपको काटना है, धागा काटना है तो आप इस कटर का यूज़ कर सकते हो जो कि इसमें यहाँ पे दिया गया है। और इसी को आप किसी स्टैंड पर टांगने के लिए उसमें ले सकते हो, यूज़ में ले सकते हो। इसका है इतना ज़्यादा कोई हैवी वेट नहीं है, काफ़ी हल्का है, तो मेरे हिसाब से इतना हल्का है और जिस देश का है उसी हिसाब से काम करेगा। इसमें जो बटन है इसको एक बार प्रेस करते हैं
तो उसमें जो लाइट है वो ऑन हो जाती है। तो इस लाइट को टेस्ट करने के लिए हम एक सुनसान जगह पे आए हुए हैं जो कि एक पहाड़ टाइप है और इधर हमारा माता जी का मंदिर है। और क्योंकि हमको एक लट्टू की जरूरत भी थी जिसमें हम बैठ के वीडियो बना सके, तो वो भी हमको यहीं मिल सकता था, गाँव से थोड़ा दूर है। और इस बैटरी को हम टेस्ट करते हैं। देखिए सामने की ओर मैं मारता हूँ, फोकस टेस्ट क्या करना है, मतलब देख रहा हूँ मैं कि कैसी चल रही है। नाइट में मैंने खुद ने चेक नहीं किया है। देखिए वो पेड़ दिखाई दे रहा है जो कि लगभग यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे होगा, 50 मीटर की दूरी पे, ये 30 मीटर की दूरी पे, ये वाला पेड़ ये भी होगा 25 मीटर की दूरी पे, और ये कुछ 10-12 फीट की दूरी पे ये पेड़ है। देखिए ऐसा इसका कुछ एक फोकस बन रहा है। और पहले इसके मोड को चेक कर लेते हैं हम। एक मोड हो गया ये, एक बार और बटन हम प्रेस करते हैं तो ये लाइट जो है कि मतलब अपनी जो रोशनी है उसको कम कर लेती है, ब्राइटनेस कम कर लेती है, सिंपल कहूँ तो। एक बार और प्रेस करेंगे तो ये SOS वाली लाइट है, इमरजेंसी वाली लाइट की तरह चुप 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 ऐसे कर रही है। तो ये कुछ ऐसे ये दिख रही है इमरजेंसी लाइट की तरह। और जब इसको हम एक बार प्रेस किया ये हो गई, दो बार प्रेस किया, तीन बार प्रेस किया और चार बार प्रेस करते हैं तो एक टेबल लाइट की तरह ये बन जाती है। कुछ ऐसी इसकी रोशनी है, देख सकते हो आप, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं इसको लगा के। और बाकी इसमें ऐसा स्टैंड दिया गया है तो हम इसको बाकायदा रख सकते हैं या किसी भी जगह उल्टा चिपका सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें मैग्नेट है ऊपर की ओर और इसको हम स्टैंड की तरह मतलब टेढ़ा कर देते हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक टेबल लाइट की तरह। इसकी रोशनी ऐसी है कि हम हाँ ठीक है पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन मेन क्या है कि इसमें कितना बैटरी चलता है, ये है मेन। ठीक है लाइट तो जल रहा है, जलता रहेगा वो तो हमको किसी भी बैटरी में जलता रहेगा, लेकिन मेन इसका बैटरी कितना चल रहा है। आपको यदि मैं कहूँ कि इसको और ज़्यादा लॉन्ग मारते हैं अपन, ज़्यादा दूरी पे देखते हैं, इसकी लाइट मतलब ऐसी है कि मैं ज़्यादा ख़राब भी नहीं करना चाहूँगा कि हाँ कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। ये ग्राउंड पे देखूँ मैं तो वहाँ पे मुझे एक घर है जिस पे लाइट मार रहा हूँ मैं, तो वो दिखाई दे रहा है, मतलब वहाँ पे कोई इंसान खड़ा होगा तो वो मुझे दिखाई देगा, लेकिन जब मैं उस घर से आगे कहीं पर लाइट मार रहा हूँ तो मुझे उसके आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो घर मेरे से लगभग 150 मीटर दूर होगा, 150 मीटर दूर का मैं वो घर वाइट कलर का पुता हुआ है इसलिए मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। ये पेड़ उससे करीब है, इतना क्लियर भी नहीं दिखाई दे रहा है जितना मतलब कि हम आँखों से देख पा रहा हूँ, उतना आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर भी मतलब ऐसा है कि हाँ हमारा काम चला देगी ये बैटरी। और उससे घर से ज़्यादा दूर का हम कुछ देखेंगे, घर के अलावा और कुछ चीज़ों पर हम मार रहे हैं तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है, घर तक का दिख रहा है हमको जो कि 150 मीटर है, वो भी कैमरे में क्लियर नहीं दिख रहा होगा। मैं अपनी आँखों के हिसाब से बता रहा हूँ कि मुझे और पास का देखें, हम इससे ज़्यादा दूर का देखते हैं तो घर से ज़्यादा दूर तक का तो हमको कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है और ज़्यादा करीब का देखें तो ठीक है, बढ़िया लाइट दिख रही है, ऐसा कोई मतलब ज़्यादा जितनी मेंशन की गई है, जो एड में मेंशन की गई है वो हमको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जितना एड में मेंशन किया गया है, उससे काफ़ी कम लाइट दिखाई दे रही है। एड में तो ऐसा मेंशन किया गया दिन को रात बना रहा है और रात को दिन बना रहा है, मतलब दिन को रात बना रहा है, दिन को रात बना रहा है, नहीं रात को दिन बना रहा है, ऐसा कुछ मेंशन किया गया है। लेकिन हाँ जितनी लाइट है उतनी ऐसी है, ठीक है हमारा काम चला देगी लाइट यदि आपको कुछ देर के लिए यूज़ करना है तो। ठीक है हमको इसको चलाए हुए लगभग लाइट जलाए हुए 4 मिनट हो चुके हैं, इसका थोड़ा सा हम बैटरी टेस्ट कर लेते हैं, ऑन रखेंगे लगातार इसी मोड पर।
को हमने टेस्ट कर लिया है कि इसकी बैटरी कितनी देर चल रही है, लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ, उससे पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये दोनों हमको कॉम्बो ऑफर में मिले थे 310 रुपये के। सुपरकॉन का यूज़ किया था इसलिए 300 रुपये के बराबर पड़े थे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको इनको अलग अलग लेना है, एक साथ नहीं लेना है, तो आप शोपी पे लीजिए, फ्लिपकार्ट से मत लीजिए, शोपी पे एक बार ट्रायल कर लीजिए आप। और यदि आपको कॉम्बो ऑफर में लेना है तो आप फ्लिपकार्ट देख सकते हो। फिलहाल के लिए लाइव प्राइस 370 रुपये, चेकआउट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यदि और ये बैटरी है, इसका भी आपको रिव्यू चाहिए तो आप इसका भी चेकआउट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसको हमने चार्ज लगाया था, इसको उसके बाद ही टेस्ट किया था। इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस निकल के आया, मतलब पूरी तरह से अच्छा सही चलता रहा। जैसे उसकी लाइट कम हो रही है तो मैं इसकी चालू कर लेता हूँ। तो इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस निकल के आया, वो टोटल निकल के आया 1 घंटा परफेक्ट, मतलब फुल लाइट पर चलते हुए। और इसको हमने चार्ज किया था लगभग 2 घंटे लगातार, वैसे 2 घंटे चार्ज नहीं होता। तो इसमें यहाँ जो इंडिकेटर लाइट दी गई है, ये वाली जो फुल चार्ज हो जाता है तो ये ग्रीन जलने लगती है, और जब चार्ज लगा देते हैं तो रेड और ग्रीन, रेड ग्रीन झुकझुक झुकझुक करती रहती है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। और इसमें यहाँ 2 पोर्ट दिए गए हैं, देखिए इधर की साइड, इसमें हम अपनी USB लगा सकते हैं, इसमें माइक्रो USB लगा के चार्ज कर सकते हैं इसको, और इसको USB लगा सकते हैं और मोबाइल को चार्ज लगाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये यूजलेस है, मैंने लगा के देख लिया, 1-2% चार्ज किया मोबाइल को, वो खुद ही बंद कर लेता है, चार्ज लगाते थे लोग, चार्जिंग करना बंद कर देता है चार्ज लगाते हैं तो, और 2% बढ़ा था बस, उसके बाद इसने चार्ज करना ही बंद कर दिया, लगाओ वापस ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट हो जाता था, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा था। तो इसमें 1 घंटे लगातार ये चला है, उसके बाद इसकी जो लाइट है वो काफ़ी कम हो गई थी, मतलब ना के बराबर हो गई थी, उसके बाद ये लगभग 10-15 मिनट चला, और धीरे 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 और कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, और एक समय आया तो पूरी बंद हो गई। तो भाई इसका जैसा नाम है, मतलब नाम तो है नहीं इसका कुछ, लेकिन जैसा हमको दिखाया गया एड में, ऐसा इसने कुछ भी काम नहीं किया है, मतलब इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं निकल के आई है जितनी एड में दिखाई है। आप कहीं पर देखते हो मतलब एड वगैरह में, तो ऐसे नहीं निकल के आती है, ऐसे आप काम चलाओ इसको ले सकते हो। लेकिन इसके बजाय आपके पास मार्केट में और भी ऑप्शन है, यदि आप इंडियन ब्रांड या चाइना के अलावा किसी और ब्रांड पर भरोसा करो, या उस चीज़ को लो दूसरे देश की या अपने खुद के देश की, तो आपके लिए अच्छा होगा। इस पर मेरे अंदर से आपको लास्ट चॉइस रखना चाहिए कि ऐसी कोई सी चीज़ लो, क्योंकि ये एक प्रकार से यूज़लेस चीज़ है। 1 घंटा इसका चार्जिंग चल रहा है, लेकिन यदि आपको सिर्फ काम चलाओ चीज़ लेना है कि हाँ मतलब 1 घंटे के लिए अपने को रात भर के लिए, मतलब 10 मिनट जलाना है उसके बाद सो जाना है फिर देखना है, मतलब ऐसा कुछ करना है, मतलब आपको सोच समझ के लेना चाहिए यार। सब सिंपल सी चीज़ बताऊँ तो ये चीज़ को आपको लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसका रिव्यू देखना है तो आप चेकआउट कर सकते हो। और मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगा 5 में से 3 की, ठीक है, इतना ही था बस इसमें, और कुछ था नहीं इतना स्पेशल। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय।